हेलो फ्रेंड, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ओर से आया हुआ यह नोटिफिकेशन आपको बता रही हूँ। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, जिसमें फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की पोस्ट रहने वाली है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन करना है वह ऑनलाइन रहने वाला है। फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स इन ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, ओनली फीमेल कैंडिडेट इन ग्रुप सी। तो यह ग्रुप बी और ग्रुप सी के टू पोस्ट आए हुए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स ग्रुप बी के रहने वाले हैं, देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट हेड कांस्टेबल जो रहेंगे वो ग्रुप सी के रहेंगे। ये सभी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आपको जो पे स्केल रहने वाला है वह लेवल 6 का रहने वाला है। तो फ्रेंड, यहाँ जो पे मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है वह 35,400 से लेके 1,12,400 तक का यह पे स्केल रहेगा। ग्रुप 5 के लिए, दैट मीन्स ग्रुप सी के लिए जो पोस्ट है वह पे मैट्रिक्स दिया उसका पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 29,200 टू 92,300 तक। पे स्केल एकदम जबरदस्त है फ्रेंड, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 4 के लिए लेवल 4 का जो पे स्केल है वह 25,500 टू 81,100 रिस्पेक्टिवली एज पर 7th सीपीसी से रिलेटेड यह पे स्केल रहने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनी वेयर इन इंडिया और अब्रॉड। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट रहेंगे उनको एनी वेयर मतलब इंडिया में कहीं भी उनको जॉब की पोस्टिंग मिलेगी या अब्रॉड में भी जाना पड़ेगा। द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। आपको अप्लाई करने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उन्होंने नोटिफिकेशन में वैसा दिया हुआ है, सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंट एट लेटर स्टेज। बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो इसलिए आप एलिजिबिलिटी पहले से ही चेक कर ले। डिटेल ऑफ द वैकेंसी एज पर पोस्ट दिए हुए है। सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 है, एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 है। टोटल यहाँ 10 पोस्ट रहने वाली है, किसके लिए? स्टाफ नर्स के लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए अनरिजर्व 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल रहेंगे 5 कैंडिडेट फार्मासिस्ट के रहने वाले है। देन मिडवाइफ, हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, टोटल यह जो पोस्टिंग है वह 14 रहने वाले। फ्रेंड, ये जो रिक्रूटमेंट है, इस रिक्रूटमेंट में उन्होंने उनके नोटिफिकेशन में क्लियर कट पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है, देन टेंटेटिव यहाँ वैकेंसीज इंक्रीज हो सकते हैं ये भी दिया हुआ है। यहाँ मेल कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स शुड बी उन्हें 200 फीस रहने वाली है, ऑनलाइन यह पे करनी है आपको। और जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे और कैटेगरी में रहेंगे उन सभी को 100 रुपीज फी यहाँ रहने वाली है। फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एज एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम, ऑनलाइन आपको यह पे करना है। देन यहाँ आपको फॉर्म कहाँ फिलअप करना है, तो फॉर्म के लिए उन्होंने ये वेबसाइट यहाँ दे रखी है, www.recruitment.itbpolice.nic.in। तो इम्पोर्टेंट लिंक है, ये आप कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल एंड एक्स सर्विस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फी। जो फीमेल रहेंगे उन्हें एससी और एसटी कैटेगरी के जो रहेंगे उन्हें फी नहीं है यहाँ एप्लीकेशन करने के लिए। फॉर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल एप्लीकेशन फी एग्जम्प्टेड, तो एप्लीकेशन फीमेल के लिए एग्जम्प्टेड है। ITBPs reserve the right to make changes in sequence of recruitment procedure after the publication of advertisement.
अब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने के बाद उनके राइट्स रहेंगे, वो रिक्रूटमेंट चेंज कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ एज लिमिट दिया हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एज लिमिट फॉर द सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 21 to 30 ईयर्स रहेगा। एससी एसटी ओबीसी एक सर्विस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट इज अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज 28 जुलाई 2024। कट ऑफ डेट जो रहेगी वो इस डेट की रहेगी 28/7/2024। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर 29 जुलाई 1994 से पहले वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए। और लेटर कौन सी डेट है, तो लेटर 28 जुलाई 2003 की लास्ट डेट है। देन इसके बीच का जो कैंडिडेट है वह उन्हें चाहिए, दैट मींस उनकी एज जो रहेगी वह 21 to 30 ईयर्स के बीच रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब 12th पास चाहिए। देन हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी की एग्जामिनेशन उनकी पास चाहिए। रजिस्टर विद द सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल, सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से यह रजिस्टर चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर चाहिए। डिजायरेबल क्या है, 3 ईयर एक्सपीरियंस नर्सिंग का इन्हें होना चाहिए। देन नेक्स्ट है असिस्टेंट लैब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, इसमें एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एज लिमिट क्या है, 20 to 28 ईयर्स के बीच, मतलब यहाँ लास्ट डेट ऑफ एज काउंटिंग की दी हुई है 28/7/2024 और यहाँ 29 जुलाई 1996 टू 28 जुलाई 2004 के बीच वाले कैंडिडेट उन्हें चाहिए। दैट मीन्स ये एज यहाँ रहेगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट के लिए क्या रहेगा, पास इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, दैट मीन्स 12th पास चाहिए। एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इक्विवेलेंट, दैट मीन्स साइंस स्ट्रीम इनकी होनी चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये रिक्रूटमेंट रहेगी। रजिस्टर एज फार्मेसी अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, रजिस्ट्रेशन उनका हुआ होना चाहिए। देन हेड कॉन्स्टेबल मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट, तो इनकी एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स के बीच एज लिमिट है। अपर एज लिमिट रिलैक्स फॉर द एस सी एस टी ओबीसी एन एक्स सर्विस, अपर एज लिमिट ये सभी कैटेगरी के लिए रिलैक्स रहेगी। देन कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एज विल बी 28 जुलाई 2024, 29 जुलाई 1999 to 28 जुलाई 2006 के बीच का यह कैंडिडेट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, पास 10th एग्जामिनेशन, 10th एग्जामिनेशन इनकी पास होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ANM का जो कोर्स होता है नर्सिंग में, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये इनका होना चाहिए। देन रजिस्टर इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो रजिस्ट्रेशन इनका हुआ होना चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ दिया हुआ है, कैंडिडेट जो है वह कैन एक्सेप्ट ओनली थ्रू द एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्ट ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से ये जो उन्होंने वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन इनका नहीं है। देन इन्होंने किस तरह से ये एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, टेस्ट एंड पे एंड अलाउंस एटसेट्रा, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ फिर से आपके लिए ये जो वेबसाइट है यह हाईलाइट कर रही हूँ, यह इस वेबसाइट का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। देन उन्होंने यहाँ डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे,
कब तक अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन, कब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले है, 29 जून 2024, मतलब अभी स्टार्ट हुए नहीं है, एट 00:01 AM एंड विल बी क्लोज 28 जुलाई 2024। तो नेक्स्ट मंथ के 28 जुलाई तक यह लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं फ्रेंड, आप यह सोचिए आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आ रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे अप्लाई कर लेना, गवर्नमेंट जॉब है, टेम्पररी टू गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाला है, पे स्केल एकदम अच्छा है इसका, तो अप्लाई जरूर करना। और अगर यह इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी हो रही है, आपको पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए अपने चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड में शेयर कर देना। थैंक यू।